गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अब आपके साथ। अगली 5वीं सुबह है, ठीक है, मेरे ट्रैवल की, और मैं अब्बोटाबाद में ही मौजूद हूँ। और आज सुबह सुबह 6 बजे के टाइम पर हम घर से इतनी दूर यहाँ पर घास काटने के लिए आए हैं, ठीक है जी। तो बहुत लंबा सफ़र था, पैदल यहाँ तक आना और इतनी बड़ी पहाड़ी पर चढ़कर आना ना, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था। हाइकिंग की वीडियो इसलिए नहीं बना सका कि रास्ता बहुत ख़राब था, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा था, ठीक है। तो हो सकता है जाते हुए मैं आपको वीडियो बनाकर दिखाऊं। तो चलिए ज़रा मैं आपको अब्बोटाबाद का नज़ारा इस जगह से दिखाता हूँ कि इस पहाड़ से, इस ऊंचाई से ये अब्बोटाबाद कितना खूबसूरत लगता है। तो चलिए सिनेमैटिक्स एंजॉय करते हैं। फ्रेंड्स, आपने नज़ारे देखे यहाँ के, यार इतना खूबसूरत मंज़र है ना ये, इतना कि मेरा तो यहाँ से फ़िलहाल जाने का दिल नहीं है, ठीक है। सॉरी, मेरे साथ इस वक्त शकील भाई, यासिर भाई और चाचू मौजूद है, जो पीछे घास काट रहे हैं। मुझे तो काटने नहीं दे रहे वो लोग, और तो मैं अपने काम में ही लगा हुआ हूँ। और चलिए आपको कुछ और नज़ारे भी दिखाता हूँ वहाँ नीचे चल के, ठीक है। तो लेट्स गो। फ्रेंड्स, ये पहाड़ इतना ऊंचा है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ नीचे ये जीटी रोड जो अब्बोटाबाद से मानसेरा की तरफ जा रहा है, ये वो रोड है, ठीक है। और सामने की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, 8 बज गए, 6 बजे हम यहाँ आए थे और अभी तक जो है वो घास की कटाई ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होने लग गई है, ठीक है, गर्मी का भी एहसास हो रहा है यहाँ पर। खैर इतनी ज़्यादा गर्मी है नहीं, लेकिन ये जो टाइम होता है 8 से 12 बजे का, तो गर्मी का एहसास होता है। तो प्लान अब ये करना है कि कुछ ही देर में हम यहाँ से वाइंड अप करेंगे और फिर हम घर की तरफ जाएंगे, क्योंकि नाश्ता भी नहीं किया और नाश्ता भी करना है। तो घर हमारा वो वहाँ पर नीचे है, आधा घंटा पैदल जाने में लगेगा। तो एंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स, सवार हो गए और हमारे लिए नाश्ता आ गया है। वो देखें, माजिद भाई जो हैं हमारे लिए नाश्ता लेकर आ रहे हैं, ठीक है, पीने का पानी लेकर आए हैं। तो लगता है कि कुछ लंबा ही प्लान है, यहाँ थोड़ा सा और टाइम लग जाएगा। तो चलिए ज़रा चल के नाश्ता वाश्ता करते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, मुझे तो अब्बोटाबाद आकर बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है। मैं इंजॉय कर रहा हूँ आपसे। अब तक तो मैं कई ऐसी प्लेसेस पे घूम चुका हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ आने के जो मेरे पैसे हैं ना वो पूरे हो गए हैं। जब मैं इस कुदरती मनाजिर को देखता हूँ ना तो बहुत सुकून मिलता है, बहुत मज़ा आता है। और ये चीज़ आपको शहर में कभी नहीं मिल सकती। मैं कराची से हूँ, कराची में तो आप भूल ही जाएँ, ठीक है, कि इतनी पुरसकून सुबह जो है वो आपको शहर में मिल सके। तो ये देखें, सूरज अभी अभी जो है वो उभरा है, निकला है, ठीक है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसके बाद मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो इंशाल्लाह शिमला हिल्स की आएगी, क्योंकि मेरा आज प्लान है शिमला हिल जाने का भी। और उसके बाद अगर टाइम मेरे पास बचा तो मैं एक और जगह भी जाऊंगा। डोंट हैव मच टाइम, मुझे आज ही शाम को यहाँ से रावलपिंडी के लिए निकलना है, ठीक है। और उसके बाद मैं जाऊंगा झेलम, झेलम से फिर मुझे एक और जगह जाना है, वो आपको मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। तो वीडियो को देखते रहिए, एंजॉय करें। सिनेमैटिक्स को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। बाय बाय।